जनमत पार्टी नामक नया पार्टी बनाकर खुला राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भाषणबाजी करवा क्रम में तत्कालीन अलगे मदेश देश के नारा लगा वाला स्वतंत्र मदेश गठबंधनक संयोजक डॉक्टर सी के राउत मदेशी दल सब ऊपर एखन आक्रोश व्यक्त कर रहा है। अपन पार्टी राजनीतिक मूलधार में अवला के बाद अपन दोकान बंद भ जाए कि डर से मदेशी दल सब में एक भय आ त्रास छा गया डॉक्टर राउत के तर्क इस तरह भरखरे खोलने अपन नया दोकान कतेक दिन चलत तई विषय में चिंता कर डॉक्टर राउत के मदेशी दलक नेता सब के सुझाव है। राहुली जी के नाम पे विरोध में वोट दिया और आप राहुली जी के नाम पे अभी साथ हनीमून मना रहे हैं। मलेट में जब सप्तरी के मलेट में जब कांड हुआ तो सरकार में कौन था? यही प्रदेश पार्टी सरकार थी, लेकिन अभी ना सरकार से समर्थन वापस तक नहीं ले सका, वो हम लोग क्या हम सबका विरोध करेंगे? तो उस भ्रम में हम सब न पड़े, क्योंकि उनकी दुकान बंद होने वाला है, उनकी ठेकेदारी बंद होने वाली, उनकी सामंती प्रथा बंद होने वाला, उनकी जमींदारी बंद होने वाली है और राजनीति स्वच्छ होने वाली है। इसी से वो घबरा कर ऐसा भ्रम जो है जनता में फैला रहा है। सी के राउत जी, मैंने लहान में मधेसी दल सब की दुकान बंद भ जाती कहलखिन हँ, वो भरखर नया एलखिन राजनीति में, अब हुनका बुझाइत होते राजनीति एकरे कहे छे, तो हमरा कुछ नहीं कह के है, लेकिन जे प्रकार से मधेसी जनता के गुमराह में राख कर मधेसी जनता के अहाँ के राज्य के एजेंट के रूप में परिचालित भ कर जे भ्रम में रखने छे वो क्लियर भेल है। वो दोसर के दल के बारे में चिंतित होइ छथि, ओहिसँ बढ़िया होते हुनका अपने बारे में चिंतित होय और वो अपन जे दल खोललखिन हँ ओहि दल के बारे में वो चिंतित होय, दोसर दल के बारे में टीका टिप्पणी करऽ से बढ़िया हुनका लेल उहे होते। हुनका बात से कते प्रभाव पड़ते नहीं पड़ते उ तऽ आबैवला चुनाव में ओकर रिजल्ट देखबै तखन मात्रे हमसब कहि सकै छी, अखनी जकरा जे मन होइ छै वही छै। नया पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पहिल बेर सिराहा के मिर्चिया में आम सभा के संबोधन केने मदेश के लेल लड़ रहल छी कहे वाला डॉक्टर राउत अपन पहिल आम सभा में मदेशीय दल के नेता सब के लक्षित करैत विरोधे विरोध कैलन। डॉक्टर राउत एजेंडा भजा कर मदेशी जनता के जनमत लेबे वाला मदेशी दल सबक दुकान बंद कर जनमत पार्टी आयल धारणा रखलन। जनमत पार्टी 10 लाख मदेशी युवा के रोजगारी देव लगेबाक मुख्य एजेंडा सहित काम कर के काज शुरू कने कहे तो अपन सीट बेल्ट बांध कर रह आ नहीं धरफराय मदेशी दलक नेता सब के चेतावनी दे छथि कि हमने स्वराज आंदोलन में घोषणा किया था, हमारा एक लक्ष्य क्या था कि 10 लाख रोजगारी को निकालना, 10 लाख लोगों को नौकरी देना, वह लक्ष्य जो है जनमत पार्टी के प्रथम नंबर का प्रायोरिटी होगा। 10 लाख लोगों को, 10 लाख मदेशियों को नौकरी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी फैक्ट्री खोलना पड़ेगा, स्कूल खोलना पड़ेगा, सड़क बनाने पर क्या करना पड़ेगा, वो करेंगे, लेकिन 10 लाख मदेशियों को नौकरी देने के लिए यह पार्टी सबसे अग्रगामी रूप में उस बात को उठाने के लिए, क्योंकि यह स्वराज आंदोलन का एजेंडा था, इसीलिए उसको आगे बढ़ाने के लिए पार्टी दिन रात पहले एक करेंगे। एम्हर मदेशी दलक शीर्ष नेता सब बेर बेर जेल गेला पर समेत टाई आ सूट पैंट लगाव नहीं छोड़ने डॉक्टर राउत के पछिलका गतिविधि सब समेत शंकास्पद रहल कहत जनता अब सब बात बुझ गेल धारणा रखलन। डॉक्टर राउत के पछिलका गतिविधि ओ राज्य द्वारा परिचालित व्यक्ति रहल स्पष्ट भ गेल, हुनका सब के विश्लेषण अछि। सिके राउत काल तक चल रे भैया आजादी लेके नारा दक भीतर जेल में छलखिन, अब ओ जनमत पार्टी खोल के जनता के फील्ड में एलखिन, तो अब रहले एकटा पहला विश्वास तो पहले खो देलखिन, उनकर स्थिरता नहीं देखल गेले कि जनता के प्रति कौन आवाज लैके जेबे जे जनता के देबे। हमरा सब देश एकता के रूप में जा रहल छिए मधेश के अधिकार के साथ साथ, वो पहले विखंडन में गेले, फिर अहाँ के भीतर साहब के जनमत पार्टी खोल के गाड़ी गेले, तो वो मधेश के दुकान बंद करते कि उनके दुकान बंद हेतु तो कल भविष्य के गारंटी छे ना, शुरू में झूठ बजि के जनता के झुकिया दिलखिन, तो अब दुकान ककर ककर बंद हेतु भविष्य करते। के राउत को राजनीतिक में जन्म भएको थिए न, त्यस बेला देखि मधेशी पार्टी मधेश को एजेंडा उठाएर मधेश को अधिकार को लागि, मधेसी जनता को मुक्ति को लागि, मधेसी जनता को स्वायत्ता को लागि लड़ी रहेको छ। त्यसकारणले सिके राउत ले भन्दैमा कसई को राजनीतिक समाप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सिके राउत आफ्नो बारे में सोच्छन्, मलाई लाग्छ कि मधेसी अन्य मधेसी पार्टीहरुको बारे में सोच्नु भन्दा पहिले सिके राउत आफ्नै बारे में सोच्छन्। सिके राउत ले के एजेंडा लिएर आउनुभयो, कसरी आत्मसमर्पण गर्नुभयो, कसरी नो भोट को कुरा गर्नुभयो र त्यही भोट में आफै प्रवेश गर्नुभयो, 2074 साल को चुनाव में कसैलाई भोट दिनुहुन्न
मधेसी जनता को अधिकार को लागि लड़ी रहेको लागि पनि भोट नदिने बहिष्कार को राजनीति करने अनि के भयो कुन जादू आयो उनमा कहाँ कसरी आत्मसमर्पण गर्नुभयो कसरी नेकपासँग साठघाट मिलाउनुभयो कि ओलीसँगको कुन व्यक्तित्वबाट उहाँ प्रभावित हुनुभयो कि र आएर यहाँ सी अर्कोको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ कि सीके राउतले धेरै कुराहरू अहिले व्यवस्थित गर्न मैले बाँकी छ त्यसकारणले सीके राउतले भनेर कसैको राजनीतिक समाप्त हुन्छ भने मलाई लाग्दैन सीके राउतले त मधेसी पार्टीले विगतको दिनदेखि जुन बाटो अख्तियार गरेको छ त्यो बाटोको सबभन्दा पछिल्लो कतारमा सबभन्दा पछिल्लो लाइनको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ आउनुहोस् सिक्नुहोस् गर्नुहोस् भन्ने हो उहाँले भनेर उहाँ झन्ड आफ्नो सवालको लागि भर्खर उहाँले आफै एउटा पसल थाप्नु भएको छ र अर्काको पसल बन्द गरिदिन्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ हामीले पसल खोलेको पनि होइन र यस्तो निम्न स्तरको राजनीतिक टिप्पणी पनि हामी गर्दैनौँ मधेसी जनताको अधिकारको लागि लडिरहेका छौँ अन्तिम अवस्थासम्म लड्छौँ हिजोको दिनहरूमा मान्छेले कोट टाई लगाएर घुमिरहँदा पनि हामी यही सडकबाट लड्यौँ हिजोको दिनमा मान्छेहरू यहाँबाट पलायन भरेर विदेशतिर जाँदा पनि हामी यही मुक्तिको लागि यही मधेसी जनताको मुक्तिको लागि हामी लडिरह्यौँ र अन्तिम सांससम्म हामी लड्छौँ सीके राउतजीले यसरी टिप्पणीमाथि हाम्रो केही भन्नु छैन मधेस मामिलाक जानकार सब समेत डाक्टर राउतके पछिल्का गतिविधि उपर शंका व्यक्त गरे छथि विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर भोगेन्द्र झा राजपाक शरद सिंह भण्डारी बाहेक कोनो समेत मधेसी दलक शीर्ष नेता सब जमीन्दार परिवार आ पृष्ठभूमि के नै रहल बल्कि डाक्टर राउत सम्पन्न परिवार सँ रहला सँ डाक्टर राउत के अभिव्यक्ति ठीक नै रहल धारणा रखलेने छ सीके राउत के अभिव्यक्ति छन् गैर राजनीतिक अभिव्यक्ति छन् गैर राजनीतिक किया उ कते नेपाल के जने छथिन लेकिन एकटा निष्पक्ष रूप में कहे तो सामंत कहे एखन राजपा में छटा दल छ शरद सिंह भंडारी बाहेक क्यों जमींदार क्यों बहुत संपन्न परिवार के नहीं है महंत ठाकुर के हैसियत सीके राउत के हैसियत से बहुत नीचा आर्थिक दृष्टिकोण उतटा अनाथ दोसर ठन पालित से व्यक्ति के ना सामंत सीके जमींदार है उपेंद्र यादव के हम नाम कह उपेंद्र यादव सब बहुत संघर्ष कने सप्तरी के एक गाँव से तो पलायन भ सुनसरी के मधुबन में जाकर वो गाय महीस पालन हुनकर फादर कर चले खेती साधारण शिक्षक के रूप में अध्यक्षाई अब मधेस के वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग कर तो वो सब दिन मधेस के मुद्दा के उठबित रहें वो जमींदार कहाँ छे राजेंद्र महतो के कहबे राजेंद्र महतो व्यवसाय करे छे व्यवसाय करना अपराध नहीं छे व्यवसाय खाई पीबे छे जमींदार नहीं छे राजेंद्र महतो अनिल झा जमींदार नहीं छे राजकिशोर यादव जमींदार नहीं छे महेंद्र यादव महेंद्र राय यादव जमींदार नहीं छे शरद सिंह भंडारी बाहेक कहे तो नहीं क्यों नहीं छे अहाँ केना कह देबे दुकान क्यों नहीं एखन रेमिटांस के बात कहे छी सबसे बेसी रेमिटांस मधेश में अबे छे किया कहे छे काठमांडू किया नहीं अबे छे काठमांडू के लोग सब अरब कतार में वा मलेशिया में नहीं छे अमेरिका में छे कनाडा में छे ऑस्ट्रेलिया में छे उ सब एहूठन के संपत्ति उतर लाए छे त राष्ट्रीयता ककरा में बेसी छे माइट पाइन के उपज जे छे त राष्ट्रीयता के छे सीके राउत के ई अभिव्यक्ति जे आबि रहल छन निश्चित रूप में लगे छे उ कतु ने कतु ककरो मोहरा छथिन मोहरा के रूप में भ रहल छन अई प्रकार के अभिव्यक्ति एकटा बौद्धिक व्यक्ति छथि उनका से कम एकटा क्यों आदमी जे सचेत लोग छे ई अपेक्षा नै केने छलिए एना के मधेस केंद्रीय दल सब बीच में विवाद उत्पन्न होबे लगला के बाद नेकपा आ कांग्रेस के मधेस में विगत में भ रहल विवाद आ चर्चा परिचर्चा आब सिराइत जा रहल विश्लेषण एम्हर होबे लागल अछि मधेसी मधेसी दल में भ रहल टकराव से मधेसी जनता समेत असमंजसता में अछि अपना के नया बताबे वाला डॉक्टर राउत के जनमत पार्टी नेपाल मधेस आ मधेसी के लेल की करत उ देखबाक बाकी अछि अपन टेलीविजनक लेल पूरन शाह जनकपुर धाम।